बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे। अच्छा। माझी जी अभी भी क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे। अच्छा। माझी जी अभी भी क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे। माझी जी अभी भी क्या समझ रहे हैं? बिहार में क्या खेला होगा? दरअसल बिहार की राजनीति और खेला, इसको लेकर हमेशा से ही दुविधा रहती। जब तक फ्लोर टेस्ट ना हो जाए, बहुमत का परीक्षण ना हो जाए और वहां से नीतीश पाक साफ होकर सरकार को बहुमत वाला साबित ना कर दें, तब तक घबराहट और ये बेचैनी बिहार की सियासत में बनी रहेगी। क्योंकि हर बयान आरजेडी की तरफ से तो इस तरह से दिया जा रहा है कि मानो नीतीश कुमार को डराया जा रहा है कि आपके विधायक ये गए वो गए, चार गए कोई कह रहा है, सात गए कोई कह रहा है कि बारह गए। बीजेपी अपने विधायकों को समेट कर एक जगह पर उनकी आवभगत में लगी हुई है, तो वहीं नीतीश कुमार के विधायकों पर सबकी नजर है। नजर तो जीतन राम मांझी पर भी है, हालांकि जीतन राम मांझी ये तो कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, जो खेला होना था हो चुका, मैं तो वोट दूंगा नीतीश कुमार को, एनडीए को। लेकिन दरअसल राजनीति में और पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम से ये तो साफ है, जब कोई इस बात को जोर देके कहे कि मैं तो यही रहूंगा, तो शायद डर हो जाता है कि ये रहेगा भी या नहीं रहेगा, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो हो नहीं रहा और जो हो रहा है उसके बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे। तेजस्वी यादव ने नीतीश के सरकार से बाहर होते ही इस बात को कहा था कि खेला होगा, और आरजेडी के विधायक तो ये कह रहे हैं कि खेला होना है, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। क्योंकि बहुमत की जो कुर्सी है नीतीश कुमार की, उसको हिलाने के लिए बहुत ज्यादा विधायकों के इधर से उधर होने की जरूरत नहीं। छह से सात विधायक इधर से उधर हुए या उस दिन बीमार हो गए, जैसे चंडीगढ़ वाले चुनाव में चुनाव अधिकारी बीमार हो गए थे, अगर ऐसे ही छह सात विधायक नीतीश कुमार के बीमार हो गए तो समझ लीजिए कि मीडिया कहने लगेगा कि बिहार में जंगल राज, और फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की बातें होने लगेंगी। खबरें जो छन छन कर आ रही हैं, या यूं कहें जो पहुंचाई जा रही हैं, उन खबरों को अगर पढ़कर देखें तो नीतीश कुमार के मनमाफिक हो नहीं रहा है। पटना में जीतन राम मांझी से सीपीआई एमएल के विधायक महबूब आलम मिले। अब इस मुलाकात के मायने क्या है? एन फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी क्यों मिले, क्या जरूरत थी, ऐसा क्या डिस्कस हुआ इन दोनों के बीच, और ऐसा क्या डिस्कस होना था जिसके लिए जीतन राम मांझी 12 तारीख का इंतजार नहीं कर सकते थे? ये मुलाकात तो 12 के बाद भी हो सकती थी, फोन पर भी हो सकती थी। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या निकाले? जीतन राम मांझी तो ये कह रहे हैं कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, भरोसा नहीं खोने दूंगा। लेकिन महबूब आलम तो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी खेल करेंगे, अच्छा खेल दिखाएंगे। क्या इस मुलाकात में कुछ ऐसा कह दिया जीतन राम मांझी ने जिसकी बिना पर महबूब आलम इस बात को कह रहे हैं कि मांझी आगे भी खेल दिखाने वाले हैं? और जीतन राम मांझी की तो मजबूरी आप समझ सकते हैं, भाई एनडीए के साथ में हैं तो विरोधी बयान तो अभी तो नहीं दे सकते कम से कम। तो क्या महबूब आलम के बयान को हम डिकोड करें तो ये समझ लें कि जीतन राम मांझी 12 तारीख को कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं, या जीतन राम मांझी को ही सही मान लें? खबरें तो ये भी आ गई कि जेडीयू के भोज से कई एमएलए गायब रहे, उस खाने में पहुंचे नहीं, खाना पसंद नहीं आया या वो जगह पसंद नहीं आई। अब ये तो जेडीयू के विधायक ही बताएंगे कि आखिर उस मुलाकात में उस खाने में पहुंचे क्यों नहीं। श्रवण कुमार ने दावत दी थी, जो मंत्री हैं बीमा भारती गोपाल मंडल, नहीं पहुंचे। ये ना पहुंचना, जीतन राम मांझी का कहना कि सब कुछ ठीक है,
महबूब आलम का कहना कि खेला होगा, ये सियासी हवा जो बिहार की बह रही है उसे और गर्मा देता है। और ऐसा नहीं कि महबूब आलम ने ये ढक कर छुप कर या किसी को ट्वीट के जरिए बयान दिया हो, खुलेआम मीडिया के सामने आकर महबूब आलम इस बात को कह रहे हैं कि भाई खेला तो होगा। अब बिहार में जेडीयू के मंत्री दावत दे दें खाने की और जेडीयू के ही विधायक ना पहुंचे तो फिर नीतीश कुमार का चेहरा उतरना लाजमी है, और यही हुआ। विधायक नहीं पहुंचे तो नीतीश कुमार परेशान हो गए और श्रवण कुमार के घर से बाहर निकल लिए। उनका काफिला दिखाई दे रहा था सड़कों पर चलता हुआ, जो ये बता रहा था कि नीतीश कुमार को इस बात का अंदेशा है कि बहुत कुछ सही नहीं है। विधायकों को मनाएं या बीजेपी को समझाएं कि सब कुछ ठीक है, हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे, ये नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी दुविधा भी है, एक बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि आरजेडी और आरजेडी से जुड़े हुए संगठन तो खुलकर कह रहे हैं कि भाई 12 को तो खेल होगा। और किस खेल की एक वजह तो ये भी है कि अभी स्पीकर तो आरजेडी वाले ही, वो भी कह रहे हैं कि मैं खेला करूंगा, इस्तीफा तो दूंगा नहीं, मैं बना रहूंगा, फ्लोर टेस्ट तो मैं ही करवाऊंगा। तो ये नीतीश कुमार के लिए कई मोर्चों पर चुनौती है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या 12 तारीख को कोई खेल होने जा रहा है? कई विधायकों के बीमार होने की जानकारी है, कई विधायक खाने पर नहीं पहुंचे। जीतन राम मांझी विपक्ष की विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, वो भी फ्लोर टेस्ट से पहले, और फिर कह भी रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर जीतन राम मांझी महबूब आलम से नहीं मिलते तो फिर ये खबर कैसे चलती कि जीतन राम मांझी अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ खेला करने की सोच रहे हैं? अगर जीतन राम मांझी का दिल एनडीए के साथ अटक गया था तो फिर महबूब आलम से मुलाकात की वजह क्या? ये तो कम से कम साफ करना चाहिए था जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी इस बात को भी कह चुके हैं कि साहब एक मंत्री से काम चलना नहीं है, हमें पूरा सम्मान चाहिए, क्योंकि हमारे 4 विधायक हैं, सम्मान तो पूरा लेकर रहे। उधर जब नीतीश बीजेपी के साथ जा रहे थे तब ऑफर तो मांझी के पास मुख्यमंत्री बनने का भी था, लेकिन मुख्यमंत्री बनना मांझी को गवारा नहीं हुआ, एक मंत्री से संतोष हो भी नहीं रहा है। अब खेला करने के अलावा रास्ता क्या है मांझी के सामने, इसके लिए 12 तारीख तक का तो इंतजार हमें करना होगा। लेकिन पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं कि श्रवण कुमार के घर से जिस तरह से काफिला निकला नीतीश कुमार का, वो ये बता रहा है कि उस खाने में जो चर्चा हुई उसका स्वाद नीतीश को पसंद नहीं आया। नीतीश अब सोच रहे हैं कि 12 को अगर खेला हो गया तो वो किस तरफ रहेंगे, एक बार फिर वापसी करेंगे या फिर जिस जगह हैं वहीं से अगला चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर देंगे? क्या ये नीतीश के लिए अपनी सियासत को बचाने का आखिरी मौका है, अपनी पार्टी की सियासत को बनाए रखने का, सियासत में बने रहने का आखिरी मौका है? इसलिए नीतीश कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन विधायक सुनने को तैयार नहीं। इस बात की खबरें तो उस वक्त भी आई थी जब नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा था तेजस्वी यादव आरजेडी से, तब कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ जाने पर जेडीयू 2 धड़ों में बट जाएगी, तो क्या अब दूसरा धड़ा नीतीश का साथ छोड़ने के लिए तैयार है? खेला होना है बिहार में, इस बात को तो कई बार कई लोग अलग अलग बयानों के जरिए कह चुके हैं, लेकिन खेला होगा क्या इस पर सस्पेंस बाकी है। अब इस सस्पेंस से पर्दा कैसे हटेगा ये बड़ी बात है, क्योंकि बिहार से आने वाली तस्वीरें साफ तौर पर यह बता रही हैं कि नीतीश अपने विधायकों को ढूंढ भी रहे हैं, मना भी रहे हैं, और इस खोज खबर में भी लगे हैं कि कितने विधायक फिलहाल तेजस्वी के संपर्क में हैं और कितने विधायक हमारे साथ बने रह सकते। जानकारी खुलकर साझा नहीं की जा रही है,
ये बताना अब नीतीश के लिए बीजेपी के सामने बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्यों बीजेपी को जेडीयू के विधायक पसंद नहीं कर रहे। बहरहाल नई सरकार में अब नीतीश कुमार काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये नई सरकार कब तक बनी रहेगी? 12 तारीख को इससे पर्दा भी उठ जाएगा और खेला किसने खेला, क्या खेला, इसका भी राज पर्दाफाश हो जाएगा। बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए, बिहार की सियासत क्या, देश की सियासत को भी समझते रहिए।